दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन इफेक्ट प्लस स्लो मोशन वीडियो टिकटॉक पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको एक वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो और काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइमास्टर एप्लीकेशन कोड डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। स्क्रीन पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पोजिशन में आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। और इस वीडियो में देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन देखने को मिल जाता है। सिंपल आपको वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है। इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और देख सकते हैं आपको जो ग्रीन स्क्रीन जो दिख रहा था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, 7.1 या फिर 7.2 के आसपास आना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शूट करके रख चुका हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद ओरिजिनल साउंड को हम म्यूट कर देते हैं। इसके बाद फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। फाइनली जब हम आपका वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, आईडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।